तो हेलो दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन सिनेमा के टॉप 10 कॉमेडी से भरपूर फिल्मों के बारे में, जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएंगी। और ये सारी की सारी कॉमेडी से भरपूर फिल्में हम सभी दर्शकों को आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हंसाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार अपनी इस लिस्ट में कौन कौन सी कमाल की फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, अपनी इस लिस्ट के नंबर 1 पर जो कमाल की मूवी है, उस बवाल मूवी का नाम है ढोल 2। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने साल 2007 में आई मूवी यानी ढोल मूवी का मजा डेफिनेटली लिया होगा। और वो कमाल की मूवी कॉमेडी से कितनी ज्यादा भरपूर थी, ये बात आप सभी दर्शकों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ढोल मूवी अपने आप में ही एक कॉमेडी का वो कड़क डोज था जो कि आज भी हम सभी दर्शकों को रोज बड़े पर्दे पर हंसाता है। और साथ ही साथ हम सभी दर्शकों को ये कमाल का मूवी पूरी तरीके से एंटरटेन भी कर जाता है। और फाइनली दोस्तों, इस मूवी के मेकर यानी प्रियदर्शन ने इस धमाकेदार मूवी के दूसरे पार्ट को पूरी तरीके से लॉक कर लिया है, जिस धमाकेदार मूवी में हमें अक्षय कुमार भी दिखेंगे। और साथ ही साथ इस मूवी में हमें ढोल मूवी की पुरानी कास्ट पूरी तरीके से जुड़ते हुए नजर आएगी। और हीरोइंस के तौर पे ढोल 2 मूवी में हमें कुछ नए चेहरे को भी दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ढोल 2 मूवी को लेकर अपने राजपाल यादव ने भी एक कमाल की बात कही है, जिससे आप इस धमाकेदार मूवी के लेवल को समझ सकते होंगे। और ढोल 2 की जब हमने कहानी सुनी तो सच में ढोल 1 से कहीं अच्छी है ढोल 2 की कहानी। खैर दोस्तों, अभी तो इस धमाकेदार मूवी के शूटिंग के ऊपर काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द ये बवाल और बेहतरीन मूवी हम सभी दर्शकों के बीच ठहाका लगाने के लिए सिनेमा घरों में आ रहा है। खैर दोस्तों, वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 2 पर हेरा फेरी 3 मूवी ने अपनी एक दमदार और खास जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, हेरा फेरी मूवी के साथ हम सभी दर्शकों की काफी ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब जब हम सभी दर्शकों के बीच हेरा फेरी मूवी के कैरेक्टर्स यानी राजू श्याम और साथ ही साथ बाबू राव का जिक्र आता है, तो दोस्तों हम सभी दर्शकों के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल छा जाता है। और इसी स्माइल को हम सभी दर्शकों के बीच पक्की तौर पर लाने के लिए इस बार खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 मूवी लेकर आ रहे हैं। जिस मूवी में हमें अपने अक्षय कुमार के साथ साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी और साथ ही साथ इस बार बॉलीवुड के नए और कॉमेडी कलाकार यानी कार्तिक आर्यन भी इस धमाकेदार मूवी में एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी दर्शकों को बता दें, अभी तो फिलहाल इस कमाल की मूवी की शूटिंग पूरी तरीके से जोरों शोरों से चल रही है और इस धमाकेदार मूवी को इस बार फहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी दर्शकों को बता दें, अपनी इस हेरा फेरी 3 मूवी में हमें हेरा फेरी फिल्म से जुड़े कई सारे पुराने कैरेक्टर भी इस बार हमें देखने को मिलेंगे। और इस कॉमेडी मूवी को भी इस बार लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के मैसिव बजट में बनाया जा रहा है। और ये कमाल का मूवी भी हम सभी दर्शकों के बीच 2026 के एंड तक बड़े पर्दे पर धमाका मचाता हुआ नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 3 पर अपने रोहित शेट्टी की एक कमाल की मूवी यानी गोलमाल 5 मूवी ने अपनी एक खास जगह बनाई है। जिस धमाकेदार मूवी में हमें इस बार अपने अजय देवगन के साथ साथ कुणाल खेमू, अर्शद वारसी, श्रेयस तलपड़े और साथ ही साथ तुषार कपूर जैसे कई सारे कमाल के कलाकार एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बता दें, गोलमाल फ्रेंचाइज के चारों पार्ट पूरी तरीके से इंडियन सिनेमा पर सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुए और पूरे इंडिया ने अपनी इस कमाल की कॉमेडी फिल्म को बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार दिया। और ऑडियंस और जनता के इसी कमाल के रिस्पॉन्स को देखकर इस बार इस मूवी के मेकर्स यानी रोहित शेट्टी इस धमाकेदार मूवी का 5वां पार्ट लाने जा रहे हैं। और इस धमाकेदार मूवी के 5वें पार्ट की हिंट को हमें सीधे तौर पर सिम्बा मूवी में दिखाया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों, इस बार गोलमाल 5 मूवी का बजट लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच का रखा जाएगा और ये दमदार मूवी हम सभी दर्शकों को हंसाने सिंघम अगेन के बाद यानी 2027 में बड़े पर्दे पर आएगा। खैर दोस्तों, वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 4 पर अपने अक्षय कुमार दोबारा से वेलकम मूवी के साथ अपना कमबैक करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस बार फाइनली अपने अक्षय कुमार इस साल एक कमाल की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म ला रहे हैं, जिस धमाकेदार मूवी का नाम होने वाला है वेलकम टू द जंगल। और इस धमाकेदार मूवी में हमें इस बार अपने अक्षय कुमार के साथ साथ दिशा पटानी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, साथ ही साथ लारा दत्ता, अर्शद वारसी, इसके अलावा जैकनील फर्नांडिस, राजपाल यादव और साथ ही साथ सिरेश तलपड़े और भी कई सारे कॉमेडियंस इस धमाकेदार मूवी में हमें एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पे नजर आने वाले हैं। जहां दोस्तों, इस बार वेलकम टू द जंगल मूवी की मेन स्टार कास्ट काफी ज्यादा तगड़ी और बड़ी होने वाली है और इसी वजह से दोस्तों इस धमाकेदार मूवी का बजट इस बार लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच का बताया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस धमाकेदार मूवी को इस बार अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने हम सभी दर्शकों को हीरोपंती और साथ ही साथ बागी जैसी फिल्में दे रखी हैं। और इस बार अपने डायरेक्टर अहमद खान कॉमेडी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाएंगे और वो अपने अक्षय कुमार के साथ इस वेलकम टू द जंगल मूवी को इसी साल यानी 2024 के दिसंबर महीने में बड़े पर्दे पर पेश करते हुए नजर आएंगे। खैर दोस्तों, वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 5 पर अपने अक्षय कुमार फिर से एक और धमाकेदार फिल्म ला रहे हैं, जिस दमदार मूवी का
जिसका नाम है हाउसफुल 5। जी हाँ दोस्तों, इस धमाकेदार मूवी में हमें इस बार अपने अक्षय कुमार के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा, कृति सैनन, फरदीन खान, नोरा फतेही, अनिल कपूर, साथ ही साथ जॉन इब्राहिम, धर्मेंद्र, अभिषेक बच्चन, इसके अलावा जैकी श्रॉफ, रितेश देशमुख और साथ ही साथ बॉबी देओल जैसे कई सारे टैलेंटेड कलाकार एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी दर्शकों को बता दें, इस बार हाउसफुल 5 मूवी की मेन स्टार कास्ट काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है और इसीलिए दोस्तों इस बार इस मूवी का बजट लगभग 375 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि इस कमाल की मूवी को अपने इंडियन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी और सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म बनाती है। दोस्तों जहां बात करें इस मूवी के मेकर्स की तो दोस्तों इस बार इस दमदार मूवी को तरुण मनसुखाने डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले हम सभी दर्शकों को दोस्ताना जैसी फिल्में दे रखी हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार हाउसफुल 5 पूरी तरीके से कॉमेडी से भरपूर होने वाली है और इस कमाल की मूवी में हमें कॉमेडी के अलावा रोमांस, प्यार और साथ ही साथ कमाल के हंसी भरे डायलॉग्स का वार भी दिखाया जाएगा, जो कि इस दमदार मूवी को और भी ज्यादा सुपर डुपर हिट बनाएगा और इस कमाल की मूवी को हम सभी दर्शकों के बीच 6 जून 2025 को ही बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। वेल दोस्तों वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 6 पर 2024 की एक और धमाकेदार कमाल की मूवी यानी स्त्री 2 मूवी ने अपनी जगह बनाई है। जी हां दोस्तों, यह हॉरर कॉमेडी मूवी हम सभी दर्शकों के बीच इस बार एक कमाल का कॉन्सेप्ट लाने वाली है, जिसमें हमें इस बार कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का वार दिखने वाला है और इस धमाकेदार मूवी की मेन स्टार कास्ट में हमें अपनी श्रद्धा कपूर के साथ साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और साथ ही साथ इस बार हमें वरुण धवन भी स्त्री 2 मूवी में एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर दिखने वाली हैं। दोस्तों जहां बात करें स्त्री 2 मूवी के मेकर्स की तो दोस्तों इस बार इस कमाल की मूवी को अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे और अपनी इस हॉरर कॉमेडी मूवी को इस बार लगभग 75 करोड़ रुपए के एक मैसिव बजट में बनाया जाएगा और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस धमाकेदार मूवी को 30 अगस्त 2024 को ही इसी साल रिलीज किया जाएगा। खैर दोस्तों वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 7 पर इस बार अपने अक्षय कुमार की एक और कमाल की फिल्म आने वाली है, जिस धमाकेदार मूवी का नाम है खेल खेल में। जी हां दोस्तों, इस दमदार मूवी के मेन स्टार कास्ट में हमें अपने अक्षय कुमार के साथ साथ फरदीन खान, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, एमी वारिक, साथ ही साथ प्रज्ञा जायसवाल, इसके अलावा आदित्य शील, ये सारे के सारे टैलेंटेड कलाकार एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर दिखने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार इस दमदार मूवी को मुदस्सर अजीज डायरेक्ट करेंगे, जो कि इससे पहले कई सारी कमाल की फिल्मों को लिख चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, अपने अक्षय कुमार की ये खेल खेल में मूवी दरअसल 2016 में आई एक इटालियन कॉमेडी फिल्म का ऑफिशियल तौर पर रीमेक होने वाली है और इस मूवी में हमें काफी लंबे वक्त के बाद अपने अक्षय कुमार के साथ साथ फरदीन खान बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को हम सभी दर्शकों ने इससे पहले हे बेबी जैसी कमाल की मूवी में देखा था और वो मूवी भी एक कॉमेडी फिल्म थी और इस बार दोस्तों ये दोनों के दोनों सुपरस्टार दोबारा से एक और कमाल की कॉमेडी फिल्म से बड़े पर्दे पर कमबैक करते हुए नजर आएंगे। खैर दोस्तों आपको बता दें, इस धमाकेदार मूवी को हम सभी दर्शकों के बीच इसी साल यानी 6 सितंबर 2024 को ही बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा और ये कमाल का मूवी भी डेफिनेटली अपनी कड़क कहानी के साथ हम सभी दर्शकों को खूब हंसाएगा। खैर दोस्तों वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 8 पर अपने संजय दत्त की एक और अनटाइटल मूवी ने अपनी एक खास जगह बनाई है। जी हां दोस्तों, इस धमाकेदार मूवी में हमें इस बार काफी लंबे अरसे के बाद अपने संजय दत्त के साथ साथ अरशद वारसी की कमाल की जोड़ी एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी और इससे पहले दोस्तों हम सभी दर्शकों ने जब मुन्ना भाई MBBS जैसी कमाल की मूवी में इन दोनों सुपरस्टारों की कमाल की जोड़ी को देखा था तो दोस्तों उस धमाकेदार मूवी ने हमें काफी ज्यादा कॉमेडी से हंसाया था और दोस्तों ये दोनों के दोनों सुपरस्टार दोबारा से बड़े पर्दे पर एक और कमाल की कॉमेडी फिल्म लाने वाले हैं, जिस दमदार मूवी को इस बार सिद्धार्थ कुमार सचदेवा डायरेक्ट करेंगे। खैर दोस्तों, इस धमाकेदार मूवी को हम सभी दर्शकों के बीच 2023 में ही रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों संजय दत्त के बिजी शेड्यूल के कारण इस धमाकेदार मूवी की शूटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जा सका और इसीलिए दोस्तों इस बार ये कमाल का मूवी हम सभी दर्शकों के बीच 2024 या फिर 2025 में मचाते हुए दिख सकता है और ये बात तो 100% पक्की है कि इस कमाल की मूवी में हमें अपने संजय दत्त और साथ ही साथ अरशद वारसी की कमाल की जोड़ी काफी ज्यादा डेफिनेटली हंसाने वाली है। खैर दोस्तों वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 9 पर अपने इंडियन सिनेमा की एक और कमाल की मूवी का सीक्वल दोबारा से बड़े पर्दे पर आ रहा है। जी हां दोस्तों, हम यहां पर दरअसल बात कर रहे हैं आवारा पागल दीवाना 2 मूवी के बारे में, जिस कमाल की मूवी में हमें इस बार अपने अक्षय कुमार के साथ साथ शाहिद कपूर, दिशा पटानी और साथ ही साथ खाली, इसके अलावा संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, राजपाल यादव, परेश रावल, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर और भी कई सारे कमाल के कलाकार एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आने वाले हैं और ये धमाकेदार मूवी भी एक कमाल की कॉमेडी फिल्म होगी, जिस दमदार मूवी को फिर से एक बार अहमद खान ही डायरेक्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, इस बार डायरेक्टर अहमद खान सीधे तौर पर मारधार और एक्शन वाली फिल्मों को छोड़कर कमाल की कॉमेडी फिल्म बैक टू बैक लाने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों इस साल उनकी कमाल की मूवी यानी वेलकम टू द जंगल आ रही है और उसके बाद दोस्तों वो दोबारा से आवारा पागल दीवाना 2 मूवी में अपना धमाल मचाते हुए दिखेंगे। दोस्तों आप सभी दर्शकों को बता दें, जब साल 2002 में हम सभी दर्शकों
के बीच इस दमदार मूवी का पहला पार्ट आया था। तो दोस्तों, इस कमाल की मूवी को सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए के छोटे से बजट में बनाया गया था और यह कमाल की मूवी उस समय इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ रुपए का बवाल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए नजर आई। और दोस्तों, जब दोबारा फिर से हम सभी दर्शकों के बीच इस कमाल की मूवी का दूसरा पार्ट लाया जाएगा तो दोस्तों डेफिनेटली ये धमाकेदार मूवी बहुत ज्यादा धूम मचाएगा। और जब दोस्तों इस कमाल की मूवी में हमें अक्षय कुमार के साथ साथ शाहिद कपूर की कमाल की जोड़ी दिखेगी तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को तो डेफिनेटली मजा आएगा। खैर दोस्तों, अभी तो फिलहाल इस दमदार मूवी के प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है और इस कमाल की मूवी को हम सभी दर्शकों के बीच जल्द से जल्दी पेश किया जाएगा। खैर दोस्तों, वहीं अपनी इस लिस्ट के नंबर 10 पर अपने राजकुमार राव की एक और कमाल की मूवी आने वाली है जिस दमदार मूवी का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। जी हां दोस्तों, इस धमाकेदार मूवी में हमें इस बार अपने राजकुमार राव के साथ साथ तृप्ति डिमरी, साथ ही साथ दलजीत अरोड़ा, इसके अलावा कई सारे टैलेंटेड कलाकार एज अ मेन लीड एक्टर्स के तौर पे नजर आएंगे और ये कमाल की मूवी पूरी तरीके से एक कॉमेडी फिल्म होगी जिस धमाकेदार मूवी को इस बार राज शांडिले डायरेक्ट करेंगे। खैर दोस्तों, आपको बता दें इस दमदार मूवी को पूरी तरीके से 100% पारिवारिक बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम भले ही अतरंगी और अटपटा है लेकिन दोस्तों इस कमाल की मूवी की कहानी पूरी तरीके से कॉमेडी और साथ ही साथ मजेदार सीन से भरी होगी जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। और ये खास मूवी हम सभी दर्शकों के बीच इसी साल यानी 11 अक्टूबर 2024 को ही बड़े पर्दे पर आएगी। खैर दोस्तों, ये तो थी अपने इंडियन सिनेमा की आने वाली वो अपकमिंग टॉप 10 कॉमेडी फिल्में जो कि आने वाले समय में आप सभी दर्शकों को डेफिनेटली हंसाएंगी और अपनी इस लिस्ट की कुछ फिल्में आप सभी दर्शकों की चहेती बन जाएंगी।